अरे ताली मारो। लाखों के आदरणीय ग्रामवासियों, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं बहनों, किसान मजदूर भाइयों, मेहनत मजदूरी करके खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले मेहनत कश आवाम, साथी नौजवान, विद्यार्थियों और बच्चों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरीके से लाखों में लोगों ने स्वागत किया है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बिहार नहीं है। और ये बात भूली नहीं जा सकती है, लाखों ने जिस तरीके से प्रेम दिया है, मैं आपको भरोसा देता हूँ, मैं जिंदगी भर इस बात को याद रखूंगा। दोस्तों, वैसे तो हर गांव को लेकर लोगों के दिमाग में एक पूर्वाग्रह होता है, लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूँ, मैं किसी गांव का, किसी जाति का और किसी इलाके का आदमी नहीं हूँ। मुझे इस धरती से प्रेम है और ये धरती पर सब कुछ है। इस धरती पर पहाड़ भी है, इस धरती पर समंदर भी है, इस धरती पर पेड़ भी है, इस धरती पर सड़क भी है, इस धरती पे गंगा नदी है तो इस धरती पर नाला भी बहता है। यही इस धरती की खूबसूरती है, यही इस धरती की खासियत है। लेकिन कुछ लोग प्यार और नफरत दोनों चेहरा देखकर करते हैं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं रास्ते में आ रहा था तो एक लड़की ने बड़े प्यार से कहा कि अगर हमारा नाला नहीं बनवा दीजिएगा, हमारे गांव में लोग बरसात में बहुत परेशान होते हैं, तब तक हम किसी को वोट नहीं देंगे। मन ही मन हम सोचे, क्योंकि चलते रहते हैं, ज्यादा बातचीत का मौका नहीं मिलता, मन ही मन सोचे कि नाला तो तब बनवा देंगे ना जब नाला बनवाने के लिए कोष हमारे पास होगा। लेकिन नाला बने ना बने, एक बात का मैं आपको भरोसा देता हूं, जो रिश्ता हमारा बेगूसराय के साथ है वो रिश्ता बेटा का है और ये रिश्ता हमेशा बना रहेगा। इस बात का भरोसा देता हूं। थोड़ी दूर के बाद एक और लड़का मिला, वो जो है देशभक्ति और देशद्रोह का बहस कर रहा था। एक बात आप सोच करके बताइए, धबौली से जब आप चलते हैं तो धबौली से पूरा धबौली गांव होते हुए, दुर्गा स्थान होते हुए, जब आप धबौली बाजार पहुंचते हैं, उस सड़क की हालत आपने देखी है? वो राष्ट्र का सड़क नहीं है क्या? वो सड़क हिंदुस्तान में है कि हिंदुस्तान से बाहर है? हिंदुस्तान का। तो क्या राष्ट्रवाद के बहस के केंद्र में वो टूटी हुई सड़क नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। यही साजिश है। इस साजिश को हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारा जो मसला है, अगर हम किसान हैं, तो किसान का बेटा आज किसान क्यों नहीं बनना चाहता? बड़े से बड़े किसान को पूछ लीजिए, कभी जो है उनका इंटरव्यू कर लीजिएगा कि आप अपने बेटा को किसान बनाना चाहते हैं, कहेंगे नहीं। क्यों? अगर हर कोई किसान नहीं बनेगा तो मोदी जी खाएंगे क्या? गाय का गोबर क्या खाएंगे? ये बात सोच करके देखिए कि जो समाज की बुनियाद है उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब है, वो है किसान और मजदूर, और वो इस सपने में पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। आपके भी गांव से बहुत सारा लड़का गया होगा कोटा पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, आकाश इंस्टीट्यूट में गया होगा मेडिकल की तैयारी करने के लिए, गया है कि नहीं गया है? उसके बाद जो है 4 लाख 5 लाख 10 लाख दे करके आप अपने बच्चों को बीटेक करवाए होंगे। लोग पूछता होगा कि करे छो पुत्र,
बीटेक कर रहा है, इंजीनियर बनते कत्ता खुशी की बात छी, इंजीनियर बन ले देश का हालत सोच लो। स्मृति ईरानी पिछला चुनाव कहलखिन हम ग्रेजुएट पास छी, अब रिक्वा चुनाव कहलखिन हम बारहवा पास छी। बुझल लोग की डिग्री बढ़ाए छी, डिग्री घटे मूर्ख जे छे दसमा फेल वो बनते मंत्री, दसमा फेल बनते मंत्री आ बीटेक कर इंजीनियर कर हमने तलिए पकौड़ा। हम ये नहीं कह रहे काम को खराब हो, काम सब काम छे, सब काम को उतने जरूरी छे जत्ते डॉक्टर के सुइया लगेना जरूरी छे उतने स्वीपर के झाड़ू देना जरूरी। बाढ़ यदि साफ नहीं रहते तो डॉक्टर साहब कतनो एंटीबायोटिक खिलाए देते ना रोगी ठीके नहीं होते, इंजेक्शन है। हकीकत की हकीकत पर पर्दा डाले खातिर एगो बयान वीर बेगूसराय चुनाव लड़ा लिखी है, गिरिराज गिरिराज नहीं कहे नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो लिखी है आज कहलखिन कि हमारी लड़ाई विकृत राष्ट्रवाद से है। हमारा मन के लिए इनका जवाब दिए हे हो चचा तो लड़ाई विकृत राष्ट्रवाद से हमर लड़ाई छे कि टूटल का एनएच एनएच कहिया बनते, हमर लड़ाई की बात छे कि बीपी स्कूल में पढ़ाई फिर से कहिया शुरू होते, जीडी कॉलेज में कहिया पढ़ाई होना शुरू होते, कहिया यहाँ एगो बढ़िया अस्पताल खुलते, कहिया बेगूसराय यूनिवर्सिटी खुलते, हमर लड़ाई बात है। सवाल राष्ट्र के सवाल नहीं छे, बच्चा के सही पढ़ाई मिले ये राष्ट्र के सवाल नहीं छे, अब बच्चा जब पढ़ लिख ले के तो ओकरा नौकरी मिले ये राष्ट्र के सवाल नहीं छे, जात के नाम पर रखनियो भेदभाव होय छे ये राष्ट्र के सवाल नहीं छे, महिला पुरुष में अंतर छे ये राष्ट्र के सवाल नहीं छे। इस बात को आप समझिए और यही हमारी लड़ाई है, इसी के लिए हम लड़ रहे हैं। और जब आप लड़ेंगे तो हमने आपको कहा कि चेहरा देखकर लोग प्यार और नफरत करते हैं। हमरो बाबूजी के नाम अगर अंबानी रहते हैं ना तो मोदी से पानी भर बैठे मोदी गिलास पानी लीजिए, क्योंकि हमारे बाबू के नाम अंबानी नहीं छिके, हमारे बाबू मजदूर माय हमर मजदूरी 3,000 रुपया नौकरी हो, 3,000 रुपया में बढ़िया साड़ी नहीं खरीद सके, महिला लोग बतेथे 3,000 में बढ़िया साड़ी मिले कम से कम 5,000, 3,000 रुपया दे आंगनबाड़ी काम करे, और रसोईया सब जो स्कूल में खाना बनबे मध्याह्न भोजन के ओकरा 38 रुपया दे, बुझो न 1 किलो भिंडी भी 38 रुपया नहीं खरीद सके, 50 रुपये किलो पीछे हकीकत 40 सस्ता दे रहे हकीकत छे समाज। एक पर जो सवाल पूछो कहता है देशद्रोही है, अब बात बताओ सोच सुनो न साबित कोनो जन्म नहीं कर सकते, बबूल विकास तो अब खड़ा है कभी बेच के बेच के बबूल दे कहियो न कर सकते, लेकिन एगो गंभीर बात छे जेकरा सोचो चुनाव हो रहले हैं, चुनाव में सरकार ई नहीं बता रहले कि बेगूसराय जिला खातिर लिखी गेल है, गिरिराज बाबू ई नहीं बता रहलखिन कि क्या गो पत्थर उनका नाम से बेगूसराय जिला में लगल छे, मंत्री रहथिन 5 साल की देलखिन बेगूसराय जिला में एगो योजना हमरा बताए दे, वोट कौन सी के नाम पर मांगे लेलखिन हन कि हम राष्ट्रवादी हैं, ठीक छे तो राष्ट्रवादी छिको तो बेगूसराय जिला यह राष्ट्र छे कि मलेशिया जिला छिको, चुनाव जब अल तब कहलखिन मेरा तो नानी घर है, बढ़िया बढ़िया लोग के नानी याद आवे छे चुनाव भरे, पिछला 5 साल जब मंत्री रहती तखने नहीं आये रही हमारे नानी घर छिके तो नहीं कहूँ तो अपन नानी घरे में वो सड़क बनवाई दे छिको, ई हकीकत छिके। ई पर लोग चर्चा नहीं करे बेगूसराय में ई खातिर ल मुद्दा के भटकावे कोशिश कर रहा है, ई राष्ट्रवादी नहीं छिके फर्जीवादी छिके, बात तो दिमाग में लेके एक काम से खाली ठगी वाला है। हम पूछे छियो पूरा दुनिया के मीडिया बेगूसराय कवर कर रहा है,
जखने टीवी खोलो तखने बेगूसराय चर्चा हो रहा है। तोहर मुद्दा छे ब्राह्मण ई गिनती छोड़ कर कि 4.5 लाख भूमिहार 3 लाख मुसलमान 3 लाख कुर्मी घुस ई छोड़ कर कोई मुद्दा बताए रहे बेगूसराय में देखते हैं किसके बीच में टक्कर होगा। कुश्ती हो रहा है इनकी कुश्ती नहीं हो रहा है चुनाव हो रहा है जिले में। चुनाव जब हो रहा है तो बेगूसराय जिले का मुद्दा उसमें शामिल होना चाहिए। इस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है कि एकमात्र ट्रेन थी हमारे पास जो बरौनी जंक्शन से खुलता था वैशाली उसको उठा करके सहरसा पहुंचा दिया है। ये मुद्दा किसी अखबार में आया है पढ़े हैं कि कोई जनप्रतिनिधि जो आपका बनना चाहता है वो इस मुद्दे पे बात कर रहा हो? कोई ये बोल रहा है कि जिले की सड़कों की हालत क्या है? कोई ये बोल रहा है कि महिलाओं को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है? रसोईया जो मध्याह्न भोजन बनाते हैं उनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है? बरौनी जंक्शन पे जो वैशाली ट्रेन साफ करने वाले सफाई मजदूर हैं रेलवे कहता है कि उनको 435 रुपया मिलना चाहिए और हकीकत यह है कि ठेकेदार उसको 200 रुपया देता है। जितना देता है उससे ज्यादा चुरा लेता है उन मजदूरों का। कोई बोल रहा है इसके बाद? कोई बोल रहा है कि आए दिन सड़क पे दुर्घटना होते रहती है, हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। अभी आप सुने होंगे कोरिया में किस तरीके से एक ट्रक ने जो है एक साथ कई लोगों को रौंद दिया। कोई सड़क सुरक्षा की बात कर रहा? कोई महिला सुरक्षा की बात कर रहा? भेज सके छो अकेले अपना घर के महिला बेगूसराय राज के 6:11 बजे कोई बात कर रहा है महिला सुरक्षा? क्यों इस बात पे चिंता नहीं जताई जा रही है कि हम सैकड़ों साल से हिंदू मुसलमान एक साथ इस जिले में रहते आए हैं। इससे पहले हम लोग बकरीद नहीं मनाते थे, इससे पहले हम लोग दुर्गा पूजा नहीं मनाते थे। 2014 से ही हम दुर्गा पूजा और बकरीद मनाना शुरू किए। 2014 से ही हम मुहर्रम का ताजिया और रामनवमी की शोभा यात्रा निकालना शुरू की। ऐसा क्यों होता है कि हर त्योहार के वक्त जिले का माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है? इस बात को गंभीरता से सोचिए। ये लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण है कि बेगूसराय जिला को इतिहास बनाने का मौका मिला है। और एक बात जान लीजिए, वो बार बार कोशिश करेंगे कि आपको फर्जी बहस में उलझा दें। अगर वो कहें कि दूध कन्हैया की खोट दबे द्रोही छे तो ओकरा कहिए हे रे नूनू चिलका बउआ सुगा ई बतबो न कि देश द्रोही छिके, चुनाव केना लड़ रहले? चुनाव यो आयोग देश द्रोही हो गेलै। तोरा पास होकर सवाल के जवाब नहीं छो तब तो सवाल के गुमराह कह रहलो। एक सवाल और हम पूछै छियो, ई सवाल हम बेगूसराय के आम जनता से पूछ रहलिए। एक बात हमरा सोच के बतबो, हमरा पर एक मिनट खातिर नहीं भरोसा कर, अपना आप पर भरोसा छोड़। ई मिट्टी में पैदा होलो है, पल्लो बढ़लो, यहाँ के नमक पानी खेलो है, यहाँ के हवा पानी तोरा देह छो वह हमरो देह छ। मन मने छो कि धरती गद्दार पैदा कर सके छ? नहीं मने छो तो घर पर बैठ के कोई तोरा भाई के गरिया रहलो हन माय लगाई तो सुन रहलो हन। ई बात सोच लहो, कभी इतिहास हमरा ई बात खातिर माफ नहीं कर सके। इतिहास हमरा साबित करे पड़ता है कि बेगूसराय हुए का मतलब की हो। बेगूसराय हुए का मतलब ये हो तो प्रधानमंत्री होबो गुरु जी अपना घर में, हम ही देश के नागरिक छे। अगर हमारे सवाल का जवाब नहीं देबो इतने बार कुर्ता खिंचब न। बेगूसराय में इस बार की लड़ाई ऐतिहासिक लड़ाई है। ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है, तमाम चीजों से ऊपर उठ करके के आप तमाम लोगों के लिए ऐतिहासिक फैसला लेने का वक्त है। और अच्छी बात यह है कि पूरी दुनिया टकटकी लगाकर आपको देख रही है कि बेगूसराय इतिहास बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और हमको पूरा भरोसा है कि बेगूसराय को जब जब मौका मिला है बेगूसराय ने गौरवशाली इतिहास बनाया है। दल से नहीं दिल से वोट कीजिए, बेगूसराय को जिताइए और जुमलेबाजों को हराइए, यही हमारा आपसे अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद।